गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चकपात पीएलएम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वह है गुप्त काल में हुआ सांस्कृतिक विकास, अर्थात गुप्त काल में साहित्य विज्ञान एवं कला का विकास। तो आज हम गुप्त काल में हुए विज्ञान साहित्य और कला के विकास पर प्रकाश डालेंगे। गुप्त काल में अनेक महान सम्राट हुए थे, जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम एवं स्कंदगुप्त जैसे महान और योग्य प्रतापी सम्राट हुए थे, जिनके समय में अत्यधिक साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके साथ साथ साहित्य, कला, विज्ञान, भाषा, धर्म आदि के क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। इसके अलावा गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, कृषि उन्नत अवस्था में थी, प्रजा सुखी और संपन्न थी, अर्थात गुप्त काल में चहुमुखी विकास हुआ था। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां प्रगति अपनी चरम सीमा पर न हो। तो इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त शासकों का जो काल है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युग में प्रत्येक क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी, साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम रही थी एवं गुप्त सम्राटों के प्रोत्साहन के कारण ही साहित्य, कला, विज्ञान, भाषा आदि क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति हुई। इस युग में भारतीय संस्कृति का जो गौरव था वह प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था, अतः गुप्त युग सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में हुई उन्नति के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में अनेक काव्य, प्रशस्तियाँ, नाटक, कथा साहित्य एवं व्याकरण और कोश, धार्मिक साहित्य आदि की रचना की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम है काव्य। तो गुप्त काल में काव्य की रचना की गई थी, जिनमें कालिदास जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इन्होंने दो महाकाव्य और दो काव्यों की रचना की थी, कुमार संभव तथा रघुवंश। कालिदास द्वारा लिखे गए दो प्रमुख महाकाव्य थे मेघदूत तथा ऋतुसंहार। ये दो काव्य थे, ये भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। इसी प्रकार गुप्त काल में प्रशस्तियों की भी रचना की गई। प्रशस्तियों में पर्याप्त प्रशस्ति जिसको कि हरिशेन ने लिखा था, इसे इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। हरिशेन समुद्रगुप्त के सेनापति थे और संधि विग्रहिक थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बाल्यावस्था, उनकी प्रमुख विजयों तथा साम्राज्य विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा मंदसौर प्रशस्ति जिसकी रचना वात्स भट्टी ने की थी। इस प्रकार गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति जिसको वात्स भट्टी ने लिखा, इसकी रचना गुप्त काल में ही की गई थी। इसी प्रकार गुप्त काल में अनेक नाटक लिखे गए, जिसमें
कालिदास द्वारा लिखा गया नाटक मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक था। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम, ये नाटक कालिदास के द्वारा ही लिखे गए थे। इसके अलावा विशाखदत्त द्वारा रचित नाटकों में मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम प्रमुख नाटक थे। मुद्रा राक्षस में मौर्य मंत्री चाणक्य, नंद मंत्री मुद्रा राक्षस की कुटिल चालों का वर्णन किया गया है, अर्थात मुद्रा राक्षस नाटक में नंदों के विनाश का वर्णन छोड़ा गया है। नंदों का विनाश अर्थात अंतिम नंद राजा घनानंद की हत्या मौर्य शासक चंद्र मौर्य के द्वारा की गई थी और नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना चंद्र मौर्य के द्वारा कौटिल्य के सहयोग से 321-22 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। इसी प्रकार देवी चंद्रगुप्तम नाटक ये भी विशाखदत्त द्वारा ही लिखा गया था। देवी चंद्रगुप्तम नाटक में स्पष्ट किया गया है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठा था, जो कि अयोग्य था और देश को विदेशी आक्रमण से बचाने में असमर्थ था। ऐसी परिस्थितियों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया था और शासन सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो इन सब बातों की जानकारी विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से हमें पता चलती है। इसी प्रकार वृषकाटिल शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। नाटक के पश्चात कथा साहित्य का भी गुप्त काल में काफी विकास हुआ था। कथा साहित्य के अंतर्गत सुबंधु ने वासुदत्ता नामक ग्रंथ की रचना की थी, जबकि पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार व्याकरण और कोश के क्षेत्र में भी गुप्त काल में काफी उन्नति हुई थी। व्याकरण और कोश के अंतर्गत चंद्र गोविंद द्वारा रचित चंद्र व्याकरण एवं अमर सिंह ने अमर कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी प्रकार गुप्त काल में धार्मिक साहित्य की भी रचना की गई, जिनमें याग यज्ञ कात्यायन है, बृहस्पति आदि स्मृतियों की जो रचना है वो गुप्त काल में ही की गई थी। अधिकतर स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही की गई थी। इसके अलावा दार्शनिक साहित्य भी गुप्त काल में लिखे गए, जिनमें वात्स्यायन ने न्याय भाषा नामक ग्रंथ लिखा, वात्स्यायन ने न्याय भाषा नामक ग्रंथ लिखा, जबकि वसुबंधु ने अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका नामक ग्रंथ की रचना गुप्त काल में ही की थी। तो अब हम साहित्य के क्षेत्र के पश्चात चलते हैं गुप्त काल में हुए विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। गुप्त काल में हुए विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत गुप्त काल में ज्योतिषी, गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे प्रथम ज्योतिषी के क्षेत्र में, तो ज्योतिषी के क्षेत्र में गुप्त काल में काफ़ी उन्नति हुई थी। गुप्त काल का प्रमुख ज्योतिषी अर्थात आर्यभट्ट रहे थे। तो गुप्त काल ज्योतिषी विज्ञान की दृष्टि से भी पीछे नहीं रहा था। आर्यभट्ट गुप्त काल का एक महान ज्योतिषी रहा।
उसने पृथ्वी की जो परिधि बताई थी वह आज भी प्रासंगिक है। वह प्रथम भारतीय वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले यह ज्ञात किया कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती है। उसने सूर्य और चंद्र ग्रह विषय में भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि ग्रहण में राहु और केतु का कोई स्थान नहीं है, बल्कि वह चंद्रमा व पृथ्वी की छाया का ही फल है। आर्यभट्ट ने भिन्न भिन्न नक्षत्रों और ग्रहों की गति के विषय का पता लगाया और इससे संबंधित आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी प्रकार वराहमिहिर जिसने लघु जातक, बृहज्जातक, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो वराहमिहिर गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी था जिसने ज्योतिषी के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें लघु जातक, बृहज्जातक, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें बृहत संहिता सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें नक्षत्रों की गति और मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में इसमें जानकारी प्रदान की गई है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त भी गुप्त काल का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहा। जिसने कि ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसने न्यूटन से शताब्दियों पहले यह ज्ञात किया था कि सभी जो चीज़ें हैं प्रकृति के नियमानुसार पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार आगे है गणित के क्षेत्र में विकास। तो आर्यभट्ट जो कि एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था जिसने कि अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित के सिद्धांतों व सूत्रों का प्रतिपादन किया था तथा रसवल्लभ की खोज भी आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। इसी प्रकार तीन नंबर पे है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ था। नागार्जुन जिसने रस चिकित्सा नामक एक नवीन चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया था उसका मानना था कि सोना चांदी, लोहा तांबा आदि खनिज धातुओं से भी रोगों का निवारण हो सकता है। नागार्जुन जिसने कि रस चिकित्सा नामक नवीन पद्धति का आविष्कार किया था उसका मानना था कि सोना चांदी, लोहा तांबा आदि खनिज धातुओं से भी रोगों का निवारण हो सकता है। इसी प्रकार वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। धन्वंतरी भी इस युग में हुए थे जो कि आयुर्वेद के एक मुख्य आचार्य थे। धन्वंतरी इसी युग में हुए थे जिन्होंने कि आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य रहे। फिर पाल काव्य नामक एक पशु चिकित्सक ने अष्टुपवेद नामक ग्रंथ लिखा था। इसी प्रकार रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र विज्ञान की भी गुप्तकाल में काफी उन्नति। गुप्तकाल रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान
की उन्नति में भी पीछे नहीं रहा था। तो दिल्ली के निकट बना हुआ मेहरौली लोह स्तंभ जो कि गुप्तकालीन रसायन शास्त्र धातु का जो विज्ञान की उन्नति का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो गुप्तकाल में रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई थी। दिल्ली के निकट बना हुआ मेहरौली लोह स्तंभ गुप्तकालीन रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह मेहरौली स्तंभ 24 फुट ऊंचा है और इसका जो वजन है 6.5 टन के लगभग है। 1500 वर्ष से धूप तथा वर्षा में खड़ा रहने के बावजूद भी यह आज तक खराब नहीं हुआ है और न ही मेहरौली स्तंभ लेक में जंग लगा है। तो इस प्रकार रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्तकाल में काफ़ी उन्नति हुई थी। तो आइए हम देखते हैं कला के क्षेत्र में उन्नति। तो गुप्तकाल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला आदि क्षेत्रों में व्यापक उन्नति हुई थी। इस कारण गुप्तकाल को साहित्य कला और विज्ञान की उन्नति के कारण ही हिंदू काल का स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। सबसे पहले वास्तुकला। तो वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक मंदिरों का निर्माण गुप्तकाल में किया गया था, जिनमें की घुमरा का शिव मंदिर, इसके अलावा जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर अर्थात तिगवा का मंदिर जबलपुर जिले में स्थित तिगवा नामक स्थान पर है, जहाँ पर विष्णु जी का मंदिर है। फिर है अजयगढ़ का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर इसके अलावा बोध गया का महाबोधि मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसी प्रकार मूर्ति कला के क्षेत्र में भी गुप्तकाल पीछे नहीं रहा। गुप्तकाल में मूर्ति कला के क्षेत्र में भी व्यापक उन्नति हुई। इस काल की प्रमुख मूर्तियां हैं, वह है सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति, देवगढ़ की विष्णु की मूर्ति, उदयगिरी की वराह की मूर्ति और कौशाम्बी की सूर्य की मूर्ति के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई थी। चित्रकला के अंतर्गत अजंता की गुफाओं में अनेक चित्र पाए गए हैं इन गुफाओं की दीवारों पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र, देवताओं, अप्सराओं के चित्र, सम्राटों, राजकुमारियों के रहन सहन के चित्र, विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किए गए हैं। अजंता की गुफा नंबर 16, इसमें मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वह चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है। इसी प्रकार महाभिनिष्क्रमण नामक चित्र काफ़ी प्रभावशाली है। इसी प्रकार माता और पुत्र नामक चित्र भी अजंता की चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है। अजंता की चित्रकारी में जुलूसों के दृश्य भी सुंदर ढंग से प्रदर्शित किए गए हैं।
इसी प्रकार गुप्त काल में संगीत और मुद्रा कला के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई थी। तो गुप्त काल में संगीत के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, उसके कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे पता लगता है कि गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी रहे थे। स्कंदगुप्त भी संगीत कला का प्रेमी था, अतः गुप्त सम्राटों के प्रोत्साहन के कारण गुप्त काल में संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई थी। संगीत के साथ साथ मुद्रा कला के क्षेत्र में भी गुप्त काल में विकास हुआ था। तो गुप्त काल में मुद्रा कला के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई। गुप्त सम्राटों ने सोने चांदी तांबे की मुद्राएं चलाई थी। गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं वह विदेशी प्रभाव से मुक्त रही। ये मुद्राएं पिछले सभी भारतीय शासकों की मुद्राओं से अच्छी थी और सुंदर ढंग से बनी हुई हैं। उन पर भारतीय भाषा, भारतीय अस्त्र शस्त्र और भारतीय देवी देवताओं और पशुओं के चित्र पाए गए हैं। तो इस प्रकार गुप्त काल में साहित्य कला और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। यह प्रजा की सुख समृद्धि का काल था। व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में रहे, कृषि का विकास हो रहा था। महान सम्राटों का यह युग था। गुप्तकालीन सम्राटों के प्रभाव के कारण ही साहित्य कला और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। यही कारण है कि गुप्त काल हिंदू काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।